खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। बाद कोरोना संकट के बीच डिप्टी सीएम सचिन पायलट टोंक पहुंचे और अधिकारियों की बैठक ली। आपको बता दें कि टोंक में अब तक कोरोना संक्रमण के 16 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं और इससे पहले पायलट वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लगातार यहां का फीडबैक ले रहे थे, लेकिन आज वह अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता की समस्याओं को जानने के लिए खुद वहां पर गए। इस दरमियान उन्होंने सर्किट हाउस में IG हवा सिंह घुमारिया, कलेक्टर के शर्मा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की। पायलट ने आमजन से भी अपील करते हुए कहा कि लोगों को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए और कर्फ्यू का पालन करना चाहिए, क्योंकि सभी के सहयोग से कोरोना हार सकता है और हमारी जीत हो सकती है। मेरा यहाँ पर आने का जो उद्देश्य था कि हमारे जिले के प्रशासन के अधिकारी, हमारे मेडिकल के स्टाफ, पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स, नर्सेस जिस जाबाजी से अपना काम कर रहे हैं, आज हम सब उनका हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर आए हैं, उनको हिम्मत देने के लिए कि अपनी जान पर खेल कर वो हम सब की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं और इतना खतरा मोल ले रहे हैं समाज के लिए, देश प्रदेश जिले के लिए, उन सबका मान सम्मान के साथ साथ उनका हौसला बुलंद करने के लिए आज मैं यहाँ पर आया था और सभी अधिकारियों से मैंने बात करी है। मेरा सबसे निवेदन है कि ये बहुत परीक्षा की घड़ी है और इस संकट के समय में हम सबको ये भूल जाना है कि कौन किस सूबे का है, किस प्रांत का है, किस धर्म का है, किस जाति का है, किस बिरादरी का है, किस रंग का है। आज हम सब मानवता की खातिर एकजुट हों और जो कर्फ्यू लगा हुआ है, जो लॉकडाउन हुआ है, इसको पूरा सम्मान करें। और इसी के साथ ही